हेलो दोस्तों, विवेक वास्तुविला के ऑटोकैड सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं इस बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने मल्टी लीडर लाइन क्रिएट करना, ऐड करना और रिमूव करना ऑलरेडी हम लोगों ने सीख लिया है। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। लीडर के जस्ट नीचे में आपको टेबल मिलता है, ठीक है। टेबल के लिए आप कमांड डालेंगे टी बी और इंटर करेंगे। जैसे टी बी आप इंटर करते हैं, आपका टेबल इंसर्ट टेबल विंडो आपका ओपन हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट में, इधर कॉलम एंड रॉ सेटिंग में जितने नंबर ऑफ कॉलम और रॉ सेटिंग्स आपको चाहिए वो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर देंगे। आप चाहें तो कॉलम के लेंथ को भी आप चेंज कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आपका आता है रॉ का भी जो भी आपको है चेंज करना है, लेंथ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे हम लोग सेट करेंगे सेल स्टाइल, ठीक है। सेल स्टाइल हमेशा आपका बाय डिफॉल्ट टॉप में टाइटल, फिर हेडर और डेटा होता है। आप चाहें तो सबको चेंज करके भी देख सकते हैं, बगल में आपको रिजल्ट जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं उसका शो होता रहेगा, ठीक है। सबको हम लोग यहाँ पे डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सारा डेटा आपको यहाँ पे शो कर रहा है, सिर्फ डेटा ही चाहिए तो डेटा आप यहाँ से सिर्फ डालकर ले सकते हैं। चाहिए मैं बाय डिफॉल्ट यूज़ करता हूँ। उसके बाद जो भी आपको रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए तो उसको ओके कर देंगे। ओके करते ही आपका जो भी कर्सर है, कर्सर पर आपका वो टेबल चिपक के आ जाएगा, ठीक है। जैसे कहीं पे आप उसको स्पेसिफाई कीजिए, स्पेसिफाई करते हैं आपका इस तरह से कर्सर आ जाएगा। जो भी आप उसमें टाइप करना चाहते हैं टाइप कर लीजिए, यहाँ टेबल टाइप कर देते हैं। और यहाँ पे टाइप कर देते हैं हम लोग 01, ठीक है। फर्स्ट हमारा टेबल का कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम में डाल दिए हम लोग। फिर सेकंड में यहाँ डालते हैं ए, फिर यहाँ पर बी डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सी डाल देते हैं और सो ऑन। जैसे अभी आपको जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली आपका वो एक्सेल जो होता है बस वही चीज़ है जो ऑटोकैड में यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग जैसे ही आप किसी एक सेल में आप क्लिक करेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, देखिए मान लीजिए हमको टेक्स्ट को चेंज करना है तो वापस आपको टेक्स्ट विंडो खुल गया। जो भी आपको चाहिए वो सारा चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। जो भी आपका हाइट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको चाहिए सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर साइज़ हम चेंज करना चाहते हैं तो साइज़ चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको साइज़ चाहिए, मान लीजिए 6 चाहिए तो 6 कर लेते हैं, 10 चाहिए तो 10 कर लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा और जैसा आपको चाहिए वैसा कर लें, ठीक है। यहाँ पर चलिए फिर सेलेक्ट कर लेते हैं 6 को, ठीक है। जो भी चाहिए यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई इसमें कोई इशू नहीं है आपका, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए इटैलिक करना तो इटैलिक कर देंगे, लेकिन चेंजेस तभी होगा जब आप इसको सेलेक्ट करके रखेंगे। यहाँ पर हम फॉन्ट साइज, फॉन्ट हाइट भी चेंज कर देते हैं, फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। उसके बाद यहाँ कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है क्लोज पे, क्लोज हो गया आपका। अब किसी एक सेल में आप क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपका एक विंडो खुल जाएगा। आपका यहाँ पे आपका एडिट का विंडो है, अगर रॉ को एडिट करना है, इंसर्ट करना है, रिमूव करना है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट के लिए, जैसे आप क्लिक करेंगे उसके जस्ट बगल में जो भी आपको सिलेक्टेड है उसके ऊपर में आपका एक ड्रॉ बन जाएगा, ठीक है। उस तरह कॉलम बनाना है तो उसके जस्ट नीचे में कॉलम ड्रॉ बना सकते हैं आप, ठीक है। इंसर्ट ड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो नीचे बन जाएगा। डिलीट करना तो डिलीट करेंगे, क्लिक करते जाइए डिलीट होता जाएगा, लेकिन ये सारा का सारा डिलीट होगा आपका, कोई एक सेल नहीं होगा डिलीट, सारा डिलीट हो जाएगा रॉ के अकॉर्डिंग सारा। सिमिलरली आपका कॉलम में भी वही है आपका, ठीक है। लेफ्ट में अगर डालना है आपको तो लेफ्ट में जो सिलेक्टेड आपका है उसमें जैसे आप क्लिक करेंगे उसके जस्ट बगल में आपका बन जाएगा। देखिए उसके जस्ट बगल में था, बन गया, सिलेक्टेड के जस्ट बगल में बना है। अगर इंसर्ट करेंगे राइट में तो राइट में आपका एंड पे बनेगा, ठीक है। डिलीट करना है तो डिलीट में भी वही है आपका, क्लिक करेंगे और डिलीट हो जाएगा, वो साइड से ही क्लिक होगा, राइट साइड से ही। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से यूज़ करके कलर से कर सकते हैं। कोई और कलर करना चूज़ करना है तो कोई लाइट कलर ही चूज़ करें ताकि आपको उसमें पता चल सके कि जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं वो हाईलाइट में आपको शो हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो भी चेंजेस है अपने अकॉर्डिंग कर लें, ठीक है। डेटा फॉर्म अगर यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आपका साइजेस है। अगर कॉलम में आपको शो करना है पूरा आपका सेल वगैरह जो भी शो करना है, कलर वगैरह चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ जैसा आपको रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला वगैरह आपको आता है तो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये टोटली आपका एक्सेल जैसा ही होता है, ठीक है। इस तरह से आप टेबल को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ये आपका प्लान में मेनली यूज़ किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ डोर्स, कॉलम वगैरह जो भी होता है आपका उसको यहाँ पे शो करना होता है, ठीक है। अगर सारी डिटेल्स आपको साइज़ के अकॉर्डिंग चाहिए तो यहाँ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ को आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियोस में, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक यू।